आज है प्रिनी के दादाजी का पुण्यतिथि और मेरे ससुर जी की पुण्यतिथि है, तो हम लोग हर साल जो है उसको इसी तरीके से उनकी पुण्यतिथि जो करते हैं। तो हम लोग ये करने के लिए सबसे पहले मैं एक आटे का ये चौक बना देती हूँ। इसमें फूल, धूप, अगरबत्ती और एक पानी का लोटा और उसमें फूल डाल के इस पे रख दिया जाता है सुबह ही। फिर उसके बाद हम ये केले के पत्ते लाते हैं और इसको जो है 9 भागों में डिवाइड करते हैं और उनके ऊपर भी सबके ऊपर फूल और पानी छिड़क के रख देते हैं। उसके बाद हम लोग हर तरीके का खाना जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, पर हम जो है पूड़ी, सब्जी, कढ़ी, खीर, छोले, भजिया इस तरीके का खाना बनाते हैं और उसको फिर सारे जो लीफ हमने रखी हुई है उन पे जो घर का बेटा होता है वो डालता है। और जैसे मेरे पास मेरी बेटी है तो वो भी, उसे भी हमने सब कुछ सिखाया है, वो भी करती है। लोगों का मानना है कि सिर्फ ये बेटे कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम माँ बाप के, एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो मैंने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया है और वो सब कुछ बहुत अच्छे से करती है पूरी श्रद्धा अनुसार, तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। तो जैसे कि प्रिनी के पापा हैं वो बेटे हो गए उनके, और उनकी जो बेटा नहीं है उनकी बेटी है, तो वो उनके साथ करती हैं। तो हम कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं समझते हैं बेटे और बेटी में, सभी जो है माँ बाप को प्यारे होते हैं। तो इस तरीके से हम ये सब कुछ रख देते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कोई गलती हुई हो, और उनको इस पे आह्वान करते हैं कि आप आइए, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाइए। और फिर पूरा सब कुछ करने के बाद हम जो ये लोटे का जल है उसको सूर्य को समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से करना है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इससे आप जो है बरसी कर सकते हैं। कुछ लोग नदी के किनारे जाके करते हैं, कुछ मंदिरों के पास जो बैठे होते हैं लोग उनके साथ करते हैं, कुछ पंडितों को बुलाते हैं। तो ये एकदम सरल विधि है। किसी की भी पुण्यतिथि आपको बरसी वगैरह करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आपके ऊपर जो भी उनकी कृपा है हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने जो बड़े लोग हैं उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम अब आज जो हैं उनकी ही कृपा से होते हैं। तो हमेशा उनका आह्वान करना चाहिए। मैं जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन तो करती हूँ, साथ में जब पितृ आता है तो पितृ में भी मैं इसी तरीके की इससे थोड़ी बड़ी पूजा करती हूँ। और उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे सारे पूर्वज शामिल हो जाते हैं। ये स्पेशली जैसे कि हमारे ससुर जी के लिए है, उनका आज के दिन ये देहांत हुआ था इसलिए है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी का नहीं भी पता और आप पितृ के समय अगर करते हो तो आप जो है अपने सारे पूर्वजों को उसमें शामिल कर देते हो और उसमें एक साथ हो जाता है। जिनके पास समय नहीं है तो वो एक बार पितृ में कर देते हैं, और अगर आपके पास समय है तो थोड़ा समय निकाल के उनकी जो, जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन हमें ये करना चाहिए। और जिससे कि माना जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उनकी जो आत्मा है वो इस दुनिया से मुक्त होती है और वो आगे जाके जो उनकी आत्मा तर जाती है, मतलब जो जिस भी जगह उन्हें पहुंचना है स्वर्ग में वो वहां पहुंच जाती है। तो ऐसा हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारा मानना है और हमें ये करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें जो है अपने पूर्वजों को भगवान की तरह पूजना चाहिए, तो इस तरीके से हम पूजते हैं। तो ये दोनों ने पूजा कर ली है, अब मैं भी पूजा कर लूँगी। मैं थोड़ा ये वीडियो बनाने लगी थी तो अब मैं भी इसमें पूजा कर लूँगी। मैं भी सेम यही पूजा करूँगी, हर लीफ में जो है थोड़ा थोड़ा जो खाना है और थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ूंगी, धूप दीप इनको दिखाऊंगी और इनसे जो है प्रार्थना करूंगी कि आप आइए और हमारा ये सब कुछ ग्रहण कीजिए। इसके बाद दोस्तों, जब शाम हो जाएगी तो हम इन सारे चीज़ों को यहाँ से उठाएंगे और नीचे किसी गाय के पास या कहीं पैसे रखेंगे जहाँ पे कोई कौआ वगैरह ये सब आके इनको खा ले। तो इस तरीके की ये सिंपल सी पूजा होती है, दिन भर आप इसको रख सकते हैं और फिर उसके बाद इसे आप नीचे ले जाके शाम को रख दीजिए। वहाँ पे कोई भी इन्हें खा लेता है, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, तो वो इसे खा लेते हैं। तो पूजा कर ली है और
अभी बस हम इनको शाम तक यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद फिर है किसी भी पक्षी या किसी भी जानवर के लिए इसे नीचे ले जाके रखा जाएगा। तो मैंने भी पूजा कर ली है। हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जीते जी और मरने के बाद अगर दोनों समय हम अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हैं तभी हमारा जीवन सफल हो पाता है। इस तरीके की ये सिंपल सी पूजा होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप भी इसे अपने इसमें जोड़ सकते हैं और इसे कोई भी कर सकता है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे यहाँ होती है या नहीं होती है। मैं देखिए मृत्यु तो हर किसी के घर में किसी ना किसी की होती है, हमारे पूर्वज रहे ही होते हैं, तो अगर हम उनके लिए ये करेंगे तो उनको अच्छा ही महसूस होगा। और कोई भी एक बार हमें ज़रूर स्पेशल डे उनके लिए रखना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके का ये मेरा आज वीडियो था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से वीडियो में।